नमस्कार, आप देख रहे हैं लुक स्मार्ट। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। मायावती की रैली के बाद रोमांचक हुआ इस सीट का चुनावी रण। पिछली बार जीत और हार का अंतर था बेहद कम। बसपा के रणनीतिकारों का कहना है कि बहन जी की रैली से बसपा के लिए माहौल बन सकता है। रणनीतिकार इसके पीछे कई कारण मान रहे हैं। उनका कहना है कि एक तो पिछले चुनाव में हार जीत का अंतर कम था, सबसे खास बात है कि मोहल्लागंज में लगातार बसपा के वोट प्रतिशत का ग्राफ बढ़ रहा है। वर्ष 2009 में बसपा सपा के बीच कांटे की टक्कर रही थी। मोहल्लागंज सुरक्षित सीट पर बहुजन समाज पार्टी को जीत की तलाश है। बसपा के गठन के बाद जितने भी चुनाव हुए हैं अब तक उसका खाता नहीं खुला है। 35% अनुसूचित जाति वोटर होने के बावजूद बसपा इस सीट पर अब तक भाजपा सपा और कांग्रेस की काट तलाश नहीं कर पाई है। बसपा की उम्मीदें इस बात पर टिकी हैं कि पिछले 3 चुनावों से दूसरे नंबर की पार्टी बन रही है और हाथी ने थोड़ा जोर लगा दिया तो खाता खुल सकता है। अपने बिखरे कार्डर वोट को पोल में खींचने के लिए बसपा सुप्रीमो मायावती ने खुद कमान संभाली है और 13 मई को मोहल्लागंज के कली पश्चिम में रैली कर सकती हैं। बसपा के रणनीतिकारों का कहना है कि बहन जी की रैली से बसपा के लिए माहौल बन सकता है। रणनीतिकार इसके पीछे कई कारण मान रहे हैं। उनका कहना है कि एक तो पिछले चुनाव में हार जीत का अंतर कम था, सबसे खास बात है कि मोहल्लागंज में लगातार बसपा के वोट प्रतिशत का ग्राफ बढ़ रहा है। वर्ष 2009 के लोकसभा चुनाव तक बसपा और सपा के बीच कांटे की टक्कर रही थी। बसपा प्रत्याशी जयप्रकाश को वर्ष 2009 के लोकसभा चुनाव में 25.89% वोट मिले थे। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए लुक स्मार्ट।